बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हाउ टू गेट माल्टा इजी वर्क वीज़ा। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के मैसेज आते हैं कि सर, माल्टा का वर्क वीज़ा बिल्कुल आसानी कैसे हासिल किया जाए, क्या आप माल्टा का ईजी वर्क वीज़ा लेने के लिए एजेंट का होना ज़रूरी है, क्या आपको एजेंट हायर करना पड़ता है। अच्छा, साथ ही में यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी मैंने देखी जहां पर लोग ये बता रहे हैं कि माल्टा का वर्क वीज़ा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और हर कोई अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्कुल जेन्युइन तरीका क्या है माल्टा का वर्क वीज़े का, किस तरीके से हासिल किया जाता है और इसके अंदर क्या आपको एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी, साथ ही में कितना एक्सपेंस आएगा, कितना खर्चा होगा और किस तरीके से जॉब वगैरह भी गेट करनी है, वो भी हम आज की इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलो दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजदीप और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दो कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दो, बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। फ्रेंड, सबसे पहले हम माल्टा के ऊपर कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। नंबर वन के ऊपर ये कि माल्टा एक शेंजन कंट्री है जो कि एक यूरोपियन कंट्री के अंदर आता है। साथ ही में दोस्तों, यहाँ पर जो लैंग्वेज चलती है वो ऑफिशियली इंग्लिश बोली जाती है, इसीलिए आपको लैंग्वेज का इशू यहाँ पर नहीं आएगा। नंबर थ्री के ऊपर यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो यूरो चलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। नंबर फोर के ऊपर यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन भी 450,000 से ऊपर है, तो आपको यहाँ पर जो है वो टूरिज़्म भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये माल्टा जो प्लेस है वो ज़्यादातर टूरिज़्म से ही कमाता है। यहाँ पर लोग घूमने फिरने आते हैं क्योंकि ये एक आइलैंड है। दोस्तों, इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि माल्टा को वर्कर्स की काफ़ी बड़ी तादाद में ज़रूरत पड़ती होगी हर साल बिकॉज ऑफ टूरिज़्म। दोस्तों, क्योंकि जहाँ पे टूरिज़्म होता है वहाँ पे होटल लाइन के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको जॉब्स देखने को मिलती है, और अगर आप इन ऑक्यूपेशन से ताल्लुक़ रखते हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा दोस्तों जिन्होंने जॉब्स गेट की वो इंडियंस थे। इंडियंस ने सबसे ज़्यादा लास्ट ईयर जॉब गेट की माल्टा के अंदर। सेकेंड नंबर के ऊपर फिलिपाइंस थे। अब दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तानियों की बात की जाए तो पाकिस्तानियों का तो दूर दूर तक इसमें नाम नहीं है, क्योंकि लीगली तौर पे आई थिंक शायद पाकिस्तानियों ने वीज़ा गेट किया ही नहीं या तो फिर जॉब गेट नहीं की, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान इस लिस्ट में शामिल नहीं है। लेकिन चाहे तो पाकिस्तानी भी जो है वो बिल्कुल आसानी जॉब गेट करके माल्टा जा सकते हैं। दोस्तों, रिसेंटली माल्टा ने अनाउंस किया था कि वो दोबारा से सिंगल वर्क परमिट स्टार्ट करने जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिला। आपको रिसेंटली ही फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह जो है वो माल्टा की वीडियोस देखने को मिली होगी। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि माल्टा के अंदर इस वक्त जॉब्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से लोग वहाँ का रुख कर रहे हैं। साथ ही में माल्टा ने जो ये अपडेट दे दी कि सिंगल वर्क परमिट वो दोबारा स्टार्ट करने जा रहा है, इससे होगा ये कि जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपके बिहाफ पे खुद ही अप्लाई कर पाएगा वहाँ से ऑनलाइन बैठ के, जिसकी वजह से काफ़ी आसानी हो जाएगी आपको जॉब मिलने में। क्योंकि दोस्तों, अब आप लोगों को एजेंट्स को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना 10 लाख ना 15 लाख, क्योंकि एजेंट जो है वो माल्टा के लिए 10 से 20 लाख रुपये तक की अमाउंट चार्ज करते हैं, और आप अभी फिल वक्त घर बैठे बैठे जॉब गेट कर सकते हो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकता है। इसीलिए अभी काफ़ी आसानी हो गई है कि आप वहाँ पे जॉब गेट कर पाओ। अब फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं कि माल्टा जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स का सामना करने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। अब मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोग यही कहेंगे कि सर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलता कहाँ है। तो दोस्तों, यहाँ पर माल्टा का ऑफिशियल पोर्टल है, आप वहाँ जाके जॉब गेट कर सकते हो, जो मैं आगे इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ टू वर्क, मतलब ये काम किस तरीके से करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप जॉब अप्लाई करते हो एम्प्लॉयर के पास, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, एक एप्लीकेशन भेजता है गवर्नमेंट को, ठीक है। उसमें ये लिखा होता है कि वो बताता है कि माल्टा में मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसकी वजह से मुझे फॉरेन वर्कर हायर करना पड़ रहा है। तो वहाँ से उसको एक अप्रूवल मिलता है, वो अप्रूवल वो आपको सेंड करता है और साथ ही में जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी सेंड करता है। फिर आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके एम्बेसी को सेंड कर देने होते हैं, मतलब कि एम्बेसी में जमा करवा देने होते हैं।
फिर उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाता है। अब फ्रेंड्स बात की जाए इंडियंस की, तो इंडियंस जो है वो VSF ग्लोबल में अप्लाई कर सकते हैं माल्टा का वीज़ा, या तो इंडिया के अंदर एम्बेसी भी मौजूद है वो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। UAE की बात की जाए तो UAE के अंदर भी VSF ग्लोबल है, वो एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करता है माल्टा की। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी एम्बेसी मौजूद नहीं है, इटालियन एम्बेसी के अंदर ही आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करानी पड़ती है। अब दोस्तों बात की जाए कि इसके अंदर आपको कितना खर्चा आएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग यही सोचते हैं कि चले सर अगर हम जॉब ले भी लेते हैं उसके बाद आगे कितना खर्चा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते। तो दोस्तों माल्टा आपको कोई 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 30,000 से 40,000 रुपये तक का खर्चा आएगा, बाकी जो भी खर्चा है वो आपका एम्प्लॉयर खुद ही देगा। तो इसीलिए आपको खर्चे की इतनी टेंशन नहीं लेनी, इसीलिए आपको किसी भी एजेंट को भी हायर नहीं करना, क्योंकि आपको जॉब बिल्कुल आसानी लीगली तौर पे मिल सकती है। और मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों इनलीगली रास्ता मत सोचो, क्योंकि अभी जो है इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि जो भी लोग इनलीगल जाते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती है। इससे अच्छा आप लीगली जाओ, बहुत सारे प्रोग्राम्स निकलते जा रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते, और हर जगह आप जाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसीलिए कोशिश करो लीगली जाने की हर जगह पर। अब जॉब कैसे ली जाए, क्योंकि ये एक मेन टॉपिक है, तो चलते हैं यहाँ पे। ये ऑफिशियल पोर्टल है माल्टा का दोस्तों, यहाँ पर आपको हर घंटे के अंदर कोई ना कोई नई जॉब देखने को मिलेगी, तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस वक्त माल्टा के अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्क शॉर्टेज है जहाँ पर आप जॉब गेट कर सकते हो। आप देख सकते हो दोस्तों कि 14 आवर्स पहले ही जॉब पोस्ट की गई है। अब यहाँ पे रोज़ की तादाद में अलग अलग आपको जॉब्स देखने को मिलती है। अभी फिलवक क्लीनर की जॉब आई हुई है, इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो शेफ़ की आई हुई है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी जॉब्स मिलेगी, यहाँ पे देख रहे हो हैवी व्हीकल ड्राइवर की जॉब आई हुई है, तो आप यहाँ पर आके अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब इस पोर्टल का मसला ये है दोस्तों कि ये पोर्टल उनके लिए बनाया गया है जो कि माल्टा के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वही इसके ऊपर साइन अप कर सकते हैं, आप लोग इस पे साइन अप नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताते चलूं कि आप किसी भी जॉब के ऊपर चले जाओगे तो वहाँ पे उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दी हुई होगी, आप उसी के ज़रिए अप्लाई कर सकते हो। जाहिर सी बात है आप इस पोर्टल के ज़रिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप एम्प्लॉयर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लेते हो तो आप बिल्कुल आसानी उसको ईमेल कर सकते हो, या अपनी प्रोफाइल वगैरह जो भी है वो आप उसे सेंड कर सकते हो। अब यहाँ पर बात की जाए फ्रेंड्स रिज्यूम की और कवर लेटर की, तो फ्रेंड्स आपकी रिज्यूम तो एक ही रहती है, लेकिन कवर लेटर हर कंट्री के हिसाब से चेंज होता है। तो इसीलिए आपने ये चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखना है कि आपने वो जॉब पे अप्लाई करना है जिसका आपके पास एक्सपीरियंस हो। कोई एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तो आपका रिस्पॉन्स बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपका रिज्यूम अच्छा बना हुआ है तो आपको 100% जो है वो रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वक्त माल्टा के अंदर काफ़ी वर्कर शॉर्टेज है और आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ डिटेल, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, वरना फेसबुक के ऊपर मैसेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।